दोस्तों आज के इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप इंडिगो एयरलाइन का वेब चेक इन करके दिखाने वाला हूं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कहां से फ्री में कलेक्ट करेंगे और फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करना है या सीट कैसे चेंज करना है, बैग का टैग कहां से डाउनलोड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात की बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन होता है, यह सबका मतलब क्या है, कैसे हमें ध्यान में रखना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और वेब चेक इन करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है इंडिगो वेब, उसके बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसे हम ओपन कर लेंगे। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा, सिंगल क्लिक से आप इस पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन वेब चेक इन करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेब चेक इन के लिए एक समय सीमा निर्धारित है, इस समय सीमा के अंदर ही वेब चेक इन कर सकते हैं, जो कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं यानी कि इंडिया के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिगो का कंडीशन यह है कि 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और वेब चेक इन बंद हो जाता है 60 मिनट पहले। यह टाइमिंग काउंट होता है फ्लाइट उड़ने के समय के हिसाब से, तो 48 घंटा से 60 मिनट पहले तक आपको वेब चेक इन कंप्लीट कर लेना है। वहीं पे अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो 24 घंटा से लेकर के 75 मिनट तक का समय यहाँ पे दिया गया है। ये तो था ऑनलाइन वेब चेक इन करने का कंडीशन जो अभी हम करके दिखाएंगे। वहीं पे सेकेंड ऑप्शन ये भी रहता है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के भी वेब चेक इन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग है कि 60 मिनट पहले तक ही वेब चेक इन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। चलिए फटाफट से वेब चेक इन कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम, या आप बुकिंग रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। तो यहां पे मैं पीएनआर नंबर और लास्ट नेम के थ्रू वेब चेक इन करना चाहूंगा। तो आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो आपको ये दो चीजें जरूर मिलता है, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल ये टिकट हमने यात्रा ऐप से बुक किया है, तो ये देख लीजिए, ये रहा हमारा पीएनआर नंबर और ये रहा हमारा पैसेंजर का लास्ट नेम। तो ये दोनों डिटेल यहां से हम उधर कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए अगले पेज के ऊपर क्या खुल के आता है, हमारा बुकिंग खुल के आ जाना चाहिए यहाँ पे, और ये फाइनली हमारा बुकिंग खुल के आ चुका है। ये दिल्ली से पटना का फ्लाइट होने वाला है, यहाँ पे फ्लाइट का डेट, टाइमिंग, फ्लाइट का नंबर, पीएनआर नंबर सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। सीट नंबर भी हम टिकट बुकिंग करते समय ही सेलेक्ट कर लिया था, 7F हमारा सीट नंबर है। हालांकि मैं आपको इसे चेंज करके और दूसरा 8 करके भी दिखाने वाला हूँ। और देख लीजिए अभी तक हमने बोर्डिंग पास डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए अब सबसे पहले सीट चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडिफाई सीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हालांकि सीट चेंज करने का ऑप्शन मेरे में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने टिकट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था। अगर आपने टिकट बुकिंग के समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था तो आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। वहीं पे देख लीजिए इसी पेज के ऊपर आपको खाना पीना जो भी परचेज करना है, जो कि फ्लाइट में आपको सर्व किए जाएंगे, वो आप यहां से परचेज कर सकते हैं। हालांकि इसका पेमेंट अभी करना पड़ेगा लेकिन फ्लाइट में खाना मिल जाएगा, या आप चाहे तो फ्लाइट में भी परचेज करके खा सकते हैं लेकिन वहां पे कैश में ही परचेज करना पड़ेगा। फ्लाइट में यूपीआई पेमेंट वगैरह ऑनलाइन कुछ भी नहीं चलता, डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं। इसी के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा लगेज ले जाना चाहते हैं तो वो चीज भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। नॉर्मली इंडिगो के द्वारा 15 किलो और 7 किलो अलाउ होता है, तो ये सब कोई एड ऑन फीचर्स हम नहीं लेने वाले हैं। सीधे नीचे कंटिन्यू टू सीट सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इंश्योरेंस हमें सजेस्ट किया जा रहा है, 95 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से लिया जाएगा। ये सब चीजें अगर आप ध्यान में नहीं रखिएगा, सीधे कंटिन्यू करते चल जाइएगा तो ये सब एड ऑन फीचर्स एड हो जाएगा जिसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए हम सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल मेरा जो सीट है 7F विंडो सीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो इस सीट को हम चेंज भी कर सकते हैं और कौन कौन सा सीट बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जितने भी ये ग्रे कलर का है ये आप बुक नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। और जो भी यहाँ पे ब्लू कलर का है ये अवेलेबल है, इसे आप सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। और ये साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट है, बीच वाला मिडिल सीट और ये वाला फिर से साइड सीट। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। और फ्री सीट की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीट है ये बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे, जिसका कलर स्काई ब्लू लाइट है या जो भी कलर है आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इस कलर का जो सीट है वो फ्री में मिलेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है। आप सोचोगे कि भाई टिकट बुक करते समय हमने तो मोबाइल नंबर दिया था, तो भाई वो मोबाइल नंबर वेबसाइट के पास गया था। ये जो अभी आप एंटर करोगे ये जाएगा इंडिगो के पास, आपके एयरलाइन के पास, ताकि इंडिगो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हैं और बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, तो एयर होस्टेज इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं इमीडिएटली कि
आप पहुंच जाओ, बोर्डिंग गेट बंद होने वाले हैं, या जो भी आगे का कम्युनिकेशन होने वाला है इसी मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ होने वाला है। तो यहाँ पे आप उनका ही मोबाइल नंबर डाले जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल डाल करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, उसके बाद जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम बताए जा रहे हैं जो आपको फ्लाइट में नहीं ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल बंदूक नहीं ले जा सकते हैं, कुछ ऐसा चीज जो ब्लास्ट करने वाला हो वो नहीं ले जा सकते हैं, कोई ऐसा केमिकल हो जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है नहीं ले जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, आग लगने वाला चीजें नहीं ले जा सकते हैं, और बैटरी वगैरह भी आप नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि पावर बैंक आप ले जा सकते हैं लेकिन उसके लिए भी कंडीशन ये है कि ज्यादा एमएएच का पावर बैंक नहीं होना चाहिए। नॉर्मली मैं 5000-10000 एमएएच का पावर बैंक ले जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन पावर बैंक और सिर्फ आप केबिन बैग में ले जा सकते हैं, यानी कि जो बैग आप फ्लाइट में लेकर के बैठोगे अपने सीट के ऊपर उसी बैग में आप पावर बैंक ले जा सकते हो, यानी कि बेल्ट के ऊपर जो आप सामान सबमिट करवाते हैं उसमें आप पावर बैंक नहीं रख सकते हैं। चलिए ये सब चीजें समझने के बाद हमें टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे दो चेक मार्क है, दोनों को इनेबल करके एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करना है। आप देखते हैं अगला क्या पेज निकल के आता है। ओके, आप देख लीजिए फाइनली वेब चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा वेब चेक इन हो चुका है। प्रिंट बैगेज टैग के ऊपर क्लिक करके हम बैग का टैग प्रिंट कर सकते हैं, और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा बोर्डिंग पास भी आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, इसे हम चाहे तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर क्लिक करके ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, हालांकि ईमेल के ऊपर ऑलरेडी जा चुका होगा। तो चलिए बोर्डिंग पास को हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ में सेव करते हैं। चलिए उसके बाद ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, जहां पे आप देखेंगे तो गेट नंबर तो मेंशन ही नहीं है जो कि सबसे मेन गेट नंबर ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सारे चीजों को समझ लेते हैं, बोर्डिंग पास के ऊपर क्या क्या चीजें मेंशन है और क्या उसका मतलब होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कहां से ले सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपके बोर्डिंग पास के ऊपर आपका नेम यहां पे मेंशन हुआ मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट नंबर देखने को मिल जाता है। ये फ्लाइट नंबर आपको बहुत ही काम आने वाला है, जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे ये बोर्डिंग पास दिखा करके, उसके बाद जगह जगह के ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ रहता है तो आपको अपना फ्लाइट का स्टेटस इसी फ्लाइट नंबर के थ्रू फाइंड करना है कि फ्लाइट कहीं डिले तो नहीं है, वेब चेक इन उसका स्टार्ट हो गया क्या, सिक्योरिटी चेक इन स्टार्ट हो गया क्या, या बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है या फाइनल कॉल आ चुका है, ये सब जानकारी आपको इसी फ्लाइट नंबर के थ्रू ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फ्लाइट का नाम तो अनाउंस नहीं होता है कि पटना जाने वाला फ्लाइट उड़ने वाला है या डिले हो गया। चलिए उसके बाद अगला आ जाता है गेट नंबर। गेट नंबर को आप प्लेटफॉर्म नंबर भी कह सकते हो, जैसे ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर होता है जो कि आपके टिकट के ऊपर प्रिंट नहीं होता है, स्टेशन के ऊपर जाकर के पता करना पड़ता है कि ये ट्रेन आज कौन सा प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, तो सेम यहां पे भी वही चीजें हैं। तो गेट नंबर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के ही पता चलेगा, इसे पता करने के लिए आपको इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे सभी एयरलाइन का अपना अपना केबिन बना हुआ है, आप इंडिगो के पास जाएंगे और गेट नंबर वहां से पता कर लेंगे, या फिर वहां मल्टीपल डिस्प्ले लगे रहते हैं वहां पे अपना फ्लाइट नंबर फाइंड करेंगे और इसके आगे गेट नंबर भी लिखा होगा। उसके बाद तीसरा आ जाता है बोर्डिंग टाइमिंग। तो टाइम तो आप समझ ही गए कि इतना टाइम में हमें बोर्डिंग करना है। उसके बाद जोन 3, इसे आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीट नंबर आपको यहां पे मिल जाता है जो कि आप फ्लाइट में बैठोगे तब आपको सीट फाइंड करके बैठना है। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डिपार्चर टाइम, जो कि फ्लाइट उड़ने का समय है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, गेट इज सब्जेक्ट टू चेंज विल क्लोज 25 मिनट पीरियड टू डिपार्चर, यानी कि ये जो डिपार्चर समय है फ्लाइट उड़ने का समय है इसे 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, उससे पहले आपको एंट्री ले लेना है, जो कि आपका एंट्री खुलेगा 13:40 में, यानी कि ये जो बोर्डिंग टाइमिंग दिया गया है ये फ्लाइट में बैठने का समय दिया गया है और 25 मिनट पहले फ्लाइट बंद हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको एंट्री ले लेना है। तो यही 3-4 चीजें था बोर्डिंग पास के ऊपर जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात रह जाता है कि इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कहां से प्रिंट करेंगे या आप कैसे लेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर लेना है। जैसे एंट्री करेंगे इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाना है, आपको बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपका पीएनआर नंबर पूछ करके आपका आईडी प्रूफ देख करके वो फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे फ्री में, और वो मना भी नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, या सिर्फ मोबाइल वाला बोर्डिंग पास दिखा करके भी फुल जर्नी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं। इसके बाद मेरे सजेशन से बैग का जो टैग है वो आप घर पे प्रिंट ना ही करें तो बेहतर है, एयरपोर्ट के ऊपर वहां पे ऑफिशियली उनका जो प्रिंट है वो लगाया ही जाता है, तो आपको खुद से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जब कोरोना आया था तो उस समय एयरपोर्ट पे नहीं बैग टैग मिलता था तो आपको घर से लगा के ले जाना पड़ता था, तो अभी तो बैग टैग को इग्नोर करो, आप सिर्फ ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकालो और अपना ट्रेवल कंप्लीट करो बस। दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।